नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में बम्पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आया है। यहाँ पर मैं आपको कौन से डिपार्टमेंट में कितनी भर्तियां हैं और किस तरह से भरी जाएंगी, ये सारी चीजें इसमें बताऊंगा। तो मध्य प्रदेश में अभी ऐलान हुआ है कि 1,00,000 भर्तियां की जाएंगी, और वैसे भी चुनाव का साल है तो डेफिनेटली बिल्कुल संभावना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जिसमें विषय है ये है कि प्रदेश में 1,00,000 रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में तृतीय श्रेणी। और यहाँ पर ये सारी चीजें और पूरा रूल बुक है, और इसमें सारे विभाग लिखे हुए हैं कौन से विभाग में कितनी भर्तियां किस तरह से की जाएंगी भर्ती, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर लिखी है। और इसका जो PDF है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो प्रदेश में 1,00,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक ये दिया हुआ है। और इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें कुछ बता देता हूँ कि विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती निम्न शर्तों के अधीन होगी। इसमें दो तरह की शर्तें हैं कि ऐसे संवर्ग जिनमें पदों की संख्या 1 से 50 तक है वो एक बार में ही भर्ती की जाए, और ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 551 से 500 तक है तो वो दो चरणों में होगी। और भर्ती किस सिद्धांत पर की जाएगी, वो सिद्धांत भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीधी भर्ती के रिक्त पद बटे सीधी भर्ती के कुल पद मल्टीप्लाई 100, और 50% से कम है तो एक बार में हो जाएगी, 50% से अधिक है तो प्रथम वर्ष 22-23 में 50% पद भरे जाएंगे, और द्वितीय वर्ष में 23-24 में 50% के आधार पर ये भर्ती होगी। और यहाँ पर है कि जिन संवर्गों में रिक्त पदों की संख्या 500 से ज्यादा है उनमें पद पूर्ति 3 चरणों में होगी, और वो 3 चरण कौन से हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सीधी भर्ती के रिक्त पद बटे सीधी भर्ती के कुल पद मल्टीप्लाई 100, और 33% से कम है तो एक बार में भर जाएंगे, 33 से अधिक है और 66% से कम है तो दो बार में प्रथम और द्वितीय सत्र यानी 22-23 और 23-24 में 50-50%, और 66% से अधिक है तो ये 22-23, 23-24 और 24-25 तीन सत्र में भरे जाएंगे। तो यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ लेना, और यहाँ पर कौन से भर्ती सीधी भर्ती नहीं है ये सारी चीजें यहाँ पर है। और यहाँ पर ये देखते हैं कौन से विभाग में कितनी भर्तियां हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर गृह विभाग में है, गृह विभाग में भर्ती आई है, काफी भर्ती है यहाँ पर। प्लाटून कमांडर है, सहायक फोटोग्राफर है, भंडार अधिकारी एटसेट्रा, ये सब जेल डिपार्टमेंट के हैं। जेल डिपार्टमेंट के बाद वित्त में भी वैकेंसी आई हैं, वाणिज्य में भी आई हैं, और राजस्व वाले हैं, परिवहन में भी भर्तियां हैं, खेल एवं युवक कल्याण में भर्तियां निकली हुई हैं। और कितनी पोस्ट हैं ये सारी चीजें भी यहाँ पर है, स्वीकृत कितने हैं, है ना, वर्तमान में कितने पद हैं, रिक्त कितने हैं, बैकलॉग से कितनी भर्ती कितनी भरी जाएंगी, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हम देखें कि शिक्षा विभाग में कितनी है, श्रम विभाग में भी भर्तियां आई हैं, लोक स्वास्थ्य में भी आई हुई हैं भर्तियां, और लोक निर्माण डिपार्टमेंट में है, विधि और विधायी कार्य में भी भर्तियां आई हुई हैं, पंचायत और ग्रामीण में भी भर्तियां हैं, जनसंपर्क विभाग में है, जनजाति कार्य में है भर्तियां। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कई सारे हैं, खाद्य नागरिक डिपार्टमेंट है, संस्कृति डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, जल संसाधन है, पर्यटन विभाग है, लोक स्वास्थ्य विभाग है, और मछुआ कल्याण विभाग भी है यहाँ पर, इसमें भी भर्तियाँ काफ़ी आई हुई हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भी भर्तियाँ आई हुई हैं, तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग में भी भर्तियाँ हैं, विमानन विभाग में भर्तियाँ हैं, भोपाल गैस त्रासदी राहत भी है ये यहाँ पर, और यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग में भर्तियाँ हैं। इसके साथ साथ कुटीर उद्योग ग्रामोद्योग में भर्तियाँ, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग में भर्तियां हैं, उद्यानिकी है, और वाणिज्य है, लोक निर्माण विभाग है, आयुष विभाग है। कहने का मतलब है कि बम्पर भर्ती आने वाली हैं और आप लोग अपनी तैयारियां बिल्कुल शुरू कर दीजिए। तो यहां पर देखें गृह राजस्व स्कूल शिक्षा विभाग आ गया, तो स्कूल शिक्षा विभाग में यहाँ पर भर्तियाँ हैं
जिसमें यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है, निरक्त वाली प्राथमिक शिक्षक के पद भाई बहुत ही काफी है, देख लीजिए आप लोग, है ना। और खेल शिक्षक की भी भर्तियां होगी, गायन वादन शिक्षक की भी भर्तियां होगी, तो ये भी यहाँ पर है। ग्राम पंचायत और ग्रामीण विभाग में भी भर्तियां हैं, जनजाति विभाग में भी भर्तियां, जनजाति ये शिक्षा विभाग भी है जिसमें प्रयोगशाला शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, संगीत शिक्षक ये भर्तियां हैं। इसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा और कौशल में भी भर्तियां हैं यहाँ पर, और ये कई सारे विभाग हैं जिनमें भर्तियां निकली हुई हैं और आने वाले समय में ये सब आपकी आ जाएंगी। तो आप अपने जिस के लिए भी आप एलिजिबल हैं उनकी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप कमेंट के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके पूछ सकते हैं।